हमारे चैनल ज्ञान विशेष को सब्सक्राइब करो और सबसे पहले वीडियो देखने के लिए बेल आइकन दबाइए। नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त हाजिर हूँ फिर एक महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। दांतों का दर्द वही जानता है जिसे होता है। दर्द क्या होता है? दांत और मुसड़े में दर्द होने के कई कारण हो सकते हैं। आमतौर पर दांतों में सड़न और गंदगी इकट्ठा होने का इसका मुख्य कारण है, क्योंकि सड़न अम्ल पैदा करने वाले बैक्टीरिया में बदल जाती है। ये सड़न धीरे धीरे बढ़कर दांतों को पूरी तरह खोखला कर देती है और दांत निकालने की नौबत आ जाती है। दोस्तों, कुदरत के खजाने में ऐसी कई जड़ी बूटियाँ होती है जो दांतों के दर्द को जड़ से खत्म करती है। एक ऐसी ही बूटी के बारे में आपको बताएंगे जिसका नाम है वट या वटवृक्ष। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आती है तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, जिससे हमारी हर नई वीडियो की जानकारी आप तक पहुंचती रहे। वटवृक्ष आजकल ज़्यादातर सभी स्थानों पर पाया जाता है। भारत में यह मंदिर परिसर के आसपास और नदी के किनारों पर आपको अवश्य ही मिल जाएगा। वटवृक्ष को हिंदी में बरगद कहते हैं और अंग्रेजी में बानियान ट्री से पहचानते हैं। वैसे तो वटवृक्ष कई प्रकार के बीमारियों के इलाज में उपयोग में लिया जाता है, लेकिन आज हम इसके विशेष फायदे के बारे में आपको बताएंगे। वटवृक्ष दांतों की सबसे रामबाण जड़ी बूटी है। ये दांतों की हर दर्द को दूर करती है और दांतों को मजबूत बनाती है। तो आज की वीडियो में हम दांतों के दर्द के लिए वटवृक्ष का उपयोग किस प्रकार से किया जाता है, इसी के बारे में बात करेंगे। दांत और मुसूड़ों को स्वस्थ बनाने के लिए सदियों से बरगद की जड़ का उपयोग किया जाता है। बरगद की जड़ों में जीवाणुरोधी गुण पाए जाते हैं। इसकी रोजाना दातुन करने से पायरिया नष्ट हो जाते हैं। इसके लिए बरगद के मूल की दातुन बनाकर रोजाना मंजन करने से हिलते हुए दांत मजबूत बनते हैं और दांतों का दर्द भी दूर होता है। इसका रोजाना दातुन करने से मुंह की दुर्गंध दूर होती है। दोस्तों, दांतों का दर्द असह्य होता है। इसकी पीड़ा जिन लोगों को होती है वही जानता है। अगर किसी को दांतों में दर्द हो रहा हो और यदि आपके आसपास में कहीं बरगद का पेड़ हो तो तुरंत जाए और बरगद के पेड़ का जो दूध निकलता है उसको उस स्थान पर लगाए जहां दांतों में दर्द हो रहा हो। ऐसा करने से कुछ ही देर में दांतों के दर्द में आराम हो जाएगा। दोस्तों, बरगद के पेड़ के दूध का एक और भी प्रयोग है। यदि दांत हिल रहा हो और निकालना हो और निकालने में दिक्कत आ रही हो तो ऐसे में बरगद का दूध उस दांत पर लगा दे। बरगद का दूध दांतों की जड़ में लगाकर कुछ समय के पश्चात दांत निकलना हो तो वो आसानी से निकल जाता है। दांतों को जिंदगी भर मजबूत बनाए रखने के लिए आप बरगद का उपयोग कर सकते हैं। इसके लिए 10 ग्राम बरगद की छाल को लेना है। इसके साथ 5 ग्राम कत्था और 2 ग्राम काली मिर्च मिलाकर चूर्ण बना लेना है। इस चूर्ण का रोजाना मंजन करने से हिलते हुए दांत भी मजबूत बन जाते हैं। इससे मुंह की दुर्गंध दूर होती है, दांतों का पीलापन दूर होता है और दांत सफेद मोती के जैसे चमकदार बन जाते हैं। इस मंजन का रोजाना प्रयोग करने से दांत मजबूत और कठोर बन जाते हैं और जिंदगी भर दांत स्वस्थ रहते हैं। दांत के सभी रोगों में ये बहुत फायदेमंद होती है। बरगद की जड़ को चबाने से मसूड़ों की सूजन दूर होती है और मसूड़ों से खून आना भी बंद हो जाता है। यदि आप प्राकृतिक रूप से दांतों को स्वस्थ और मजबूत बनाए रखना चाहते हैं तो बरगद का उपयोग जरूर करें। तो दोस्तों, ये थी आज की महत्वपूर्ण जानकारी। वीडियो पसंद आने पर लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगली वीडियो में फिर एक नई जानकारी के साथ।